नर्मदापुरम से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक नवजात मासूम को झाड़ियों में फेंक दिया गया है। फिलहाल नवजात का प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों की देखरेख में बच्ची का इलाज जारी है। पुलिस ने अज्ञात माता पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। माखन नगर के पवारखेड़ा खुर्द में एक निर्दयी माता पिता ने अपनी एक नवजात मासूम बच्ची को मरने के लिए झाड़ियों में छोड़ दिया। 4 घंटे की मासूम के रोने की आवाज सुनते ही ग्रामीण झाड़ियों के पास पहुंचे, जहां जमीन पर बच्ची रोते हुए मिली। ग्रामीणों ने इसकी तुरंत सूचना ANM और माखन नगर थाने में दी, जिसके बाद थाना प्रभारी प्रवीण कुमरे स्टाफ सहित मौके पर पहुंचे और पंचनामा बनाकर बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माखन नगर लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को नर्मदापुरम जिला अस्पताल के SNCU वार्ड में रेफर किया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में बच्ची को रखा गया है। नर्स का कहना है कि बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। वहीं पुलिस ने अज्ञात माता पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये बाबई अस्पताल से आई है हमारे यहाँ पे बच्ची, और इसका वजन है 2 किलो 335 ग्राम। और ये बच्ची अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, और बच्ची बाबई हॉस्पिटल वालों को झाड़ियों में मिली है, और वहां के एक स्टाफ नर्स शिवानी राय लेके आई हैं, और उनके साथ में एक स्वीपर आई हैं, उनका नाम अनीता धोलपुरिया है। ये दोनों बच्ची को यहाँ पे हमारे यहाँ लेके आए हैं, और हमारे यहाँ बच्चे को रख के इसका उपचार करेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।